दोस्त अभी भारत का टीम पर टूटा दुखों का पार। जैसे इस खिलाड़ी का हार्ट अटैक से निधन हुआ, उसके बाद दोस्तों सभी भारतीय क्रिकेटरों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। आखिरकार गाइस आप भी जानना चाहते हैं कि आए पूरी खबर, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय भारत और इंग्लैंड के बीच में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है, जिसके 3 मुकाबले भारतीय टीम ने जीत रखे हैं और में 1 मुकाबले को इंग्लैंड की टीम जीत पाई है। मगर दोस्तों आप बारी 5वें टेस्ट मुकाबले की, जो कि 7 मार्च से लेकर 11 मार्च तक खेला जाएगा। मगर दोस्तों इस मुकाबले को स्टार्ट होने से पहले भारतीय टीम के यानी स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव प्रैक्टिस सेशन खेल रहे थे। जैसे ही मोहम्मद शमी ने सूर्य कुमार यादव के लिए एक यानी बेहतरीन गेंद डाली, तो वो गेंद जाकर सूर्य कुमार यादव के सिर पर लगी। उसके बाद सूर्य कुमार यादव वहीं की वहीं लेट गए और उनकी सिर से खून निकलना चालू हो गया। उसके बाद दोस्तों तुरंत की तुरंत सूर्य कुमार यादव को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, मगर उसके बाद डॉक्टर्स ने इलाज किया, लेकिन इस समय सूर्य कुमार यादव की तबीयत एकदम सही है और इस तरीके से आज सूर्य कुमार यादव मरते मरते बच गए। नहीं तो आज सूर्य कुमार यादव के साथ हो जाता कुछ तो भारतीय टीम को बड़ा झटका लग जाता।